प्रॉब्लम तो बड़ी थी। देखो उन्होंने कहा आपने 3 महीने कैसे निकाले, आपको तो यहर बाद हो सकता क्योंकि ये बच्चा छोटा है अभी, ये दूध पी रहा है, बोलोगे आ रहा है। तो वो डॉक्टर हैरान थे कि 3 महीने कैसे निकल गए, इतने बड़े बड़े पीसेस अंदर है यूट्रस में, तो कैसे ये बच्चा भी दूध पी रहा और ये भी ऐसी ब्लीडिंग तो हो रही थी, पर परमेश्वर ने संभाल कर रखा। कुछ भी हो सकता था, बच्चे को भी हो सकता और इसको भी हो सकता था। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम नेहा है और जी पोए गांव के रहने वाले हैं, और जी सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे हैं कि जब इनकी डिलीवरी हुई थी 3 महीने पहले, 3 महीने हो गए इनकी डिलीवरी हुई को और परमेश्वर ने इनको बेटे के साथ ब्लेस किया है। और जी बता रहे हैं कि जब इनकी डिलीवरी हो रही थी तो उस समय जो ऑल थी वो फट गई थी, और जी बता रहे हैं कि जैसे डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने इनका अल्ट्रासाउंड किया, चेक किया कि जो डिलीवरी करते समय जो ऑल थी वो फट गई थी, और जैसे उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी, और डॉक्टर ने बोला कि आपके जो डिलीवरी है बिल्कुल सही होगी और कोई भी पीसेस नहीं है और बिल्कुल सही है, और जो इनका बेटा वो भी बिल्कुल परमिशन ने इसको अच्छा रखा। और जब बता रहे कि ऐसे ही उसके बाद जब बता रहे कि कुछ दिन इनको ऐसे ब्लीडिंग हो रही थी और जे मेडिसिन भी नहीं खा रहे थे, बस इन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से जो नॉर्मल मेरे पीरियड्स वो कर चुके। और जब बता रहे कि ऐसे ही करते, जब बता रहे कि फिर इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ ऐसे पर्सनल मीटिंग की, और जब बता रहे इसके लिए परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना भी की, और जब बता रहे कि प्रेयर करने के बाद जो इनको ऐसे ब्लीडिंग हो रही थी, और जब बता रहे कि वैसे सही हो गए, और जैसे इन्होंने मन बनाया गवाही देने के लिए तो फिर से बहुत ज्यादा इन्हें पीसेस आ रहे, बहुत ज्यादा इन्हें ब्लीडिंग होनी शुरू होगी। और जब बता रहे फिर इन्होंने गवाही कैसे परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि मैं तो गवाही देना चाहती थी पर जो प्रॉब्लम फिर मुझे ऐसे बहुत ज्यादा हो रही है। और जब बता रहे ऐसे करते इनकी डिलीवरी को ऐसे 1.5 महीना हो गया था, फिर इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, और जब बता रहे जब इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके जो जब आपकी डिलीवरी हुई थी उस समय जो ऑल के ऐसे कुछ पीसेस अंदर रह गए थे, एक जो पीस था वो 16 ml का था और एक पीस था वो 10 ml का था, तो डॉक्टर ने इनको बोला कि इसलिए आपकी जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं रही, तो इसके लिए आप मेडिसिन खाओ उससे सही हो जाएगा। तो जब बता रहे कि इन्होंने मेडिसिन भी लेकर आए, इन्होंने मेडिसिन भी खाई, और जब बता रहे कि पहले काफी ब्लीडिंग हुई पर फिर बीज ऐसे रुक गई, और जब बता रहे ऐसे काफी प्रॉब्लम आ गई, और जब बता रहे कि बॉडी में भी बहुत ज्यादा वीकनेस आ रही थी, पर जब विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर जो कि डॉक्टर ने बताया कि 16 ml के एक पीस और एक 10 ml का पीस है और मेडिसिन से सही हो जाएगा, और इन्होंने विश्वास किया कि मेडिसिन तो खाई है और परमेश्वर मुझे सही कर चुके हैं। और फिर से इन्होंने जब बता रहे कि ऐसे करते 3 महीने हो गए थे, और जब इन्होंने 2 दिन पहले जब बता रहे अल्ट्रासाउंड कराया, तो जब बता रहे कि जब इन्होंने अब पहले इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल जब इनकी जहां डिलीवरी हुई थी वहां से अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसके बाद इन्होंने फिर से जब ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी, बहुत ही ज्यादा हो रही थी, फिर इन्होंने 3 महीने अब हो गए थे और फिर से अब इन्होंने ऐसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना अल्ट्रासाउंड कराया। तो जब बता रहे जैसे डॉक्टर ने चेक किया अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, तो डॉक्टर ने बताया कि जब आपकी डिलीवरी हुई थी तो आपके कुछ पीसेस अंदर रह गए थे और वो भी बड़े पीसेस हैं, और डॉक्टर ने जब इनकी पहली रिपोर्ट भी चेक की जो 16 ml का जो पीस था, तो डॉक्टर ने बोला कि वो जो है वो 25 ml का पीस और जो 10 ml का था वो 14 ml का हो गया है, तो वो जो पीस थे वो बड़े हो गए थे जिसके कारण इनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तो डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखी तो वो बहुत हैरान हो गया कि आप 3 महीने हो गए आपको कुछ भी नहीं हुआ, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने के कारण आप बच कैसे गए, और आपको बहुत जल्दी आपको इसका ट्रीटमेंट करना होगा, अब तो आपकी बच्चेदानी जो यूट्रस वो निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए आपने 15,000 रुपये आपका लगेगा और ऑपरेट होगा। और जब बता रहे कि इसके दरमियान ही जो अपने बच्चों को ऐसे दूध भी पिला रहे थे, तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आप ऐसे 3 महीने से जो अपने बेबी को अपनी फीड भी दे रहे हो, पर इसके कारण तो अगर थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम जैसे जो 16 ml का पीस था तो उस समय से आपको जहर बाद हो जानी थी, पर आप बच कैसे गए। और डॉक्टर बहुत हैरान हो गया, और फिर से डॉक्टर ने इनको ऐसे बोला कि जहां पर आपकी डिलीवरी हुई है फिर से आप उस हॉस्पिटल में जाए और एक बार आप डॉक्टर को दिखाएं, अगर वो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम आपका
ट्रीटमेंट करेंगे और आपकी बच्चेदानी जो है यूट्रस वो निकालनी पड़ेगी। और जब बता रहे फिर जी वापस ऐसे जहाँ पर इनकी डिलीवरी हुई थी वहाँ गए ना डॉक्टर से, इन्होंने बात की अपनी रिपोर्ट दिखाई, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि हम आपका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे। और फिर इन्होंने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे भी और प्रेयर टावर में कॉल की और इस बात के लिए परमेश्वर के दास को भी बताया। तो जैसे कि परमेश्वर ने पहले इनको संभाल कर रखा, जैसे कि इनका बच्चा दूध भी पी रहा, इनकी फीड भी ले रहा था, पर कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर ने इनके बच्चे को भी संभाल कर रखा, इस सिस्टर को भी संभाल कर रखा। तो परमेश्वर जी बता रहे कि जैसे फिर डॉक्टर ने इनको बोला कि हम आपका अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, जो पीसेस अंदर रह गए हम उसका फिर से ऐसे अबॉर्शन ही करेंगे, जो कि उनके अनुसार कोई ऐसे टेस्ट होता है जैसे DNC, उस दरमियान जो बता रहे कि हम अबॉर्शन के दौरान ही हम ऐसे ही ऑपरेट के बिना आपको बियोशी से ही इस पीसेस को निकालेंगे। तो जो बता रहे कि जैसे फिर इन्होंने कल जी जब एडमिट हुए तो जो बता रहे कि कल ही परमेश्वर ने सारी प्रॉब्लम से इनको फ्री किया, और जो बहुत ज्यादा बड़े पीसेस थे हम उनके पिक को देख सकते हैं कि जो कल ही डॉक्टर ने निकाले थे, और हम देख सकते जो कितने बड़े पीसेस रह गए थे जो ऑल फटने के कारण थे, और एक 25 ml का और एक 10 ml का है। और आज परमेश्वर ने पूरे 3 महीने हो गए कि इस सिस्टर को अपने अनुग्रह से अपनी कृपा से संभाल कर रखा, और प्लस इनके बच्चे को जो अपनी फीड भी दे रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसके कारण तो आपको जहर बाद हो सकती थी, इन्फेक्शन बॉडी में फैल सकती थी, पर आप कैसे बच गए। पर सच में कैसे जो नॉर्मली परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से इस सिस्टर को संभाल कर रखा, आज पूरी तरह परमेश्वर को फ्री कर दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गवाही के लिए परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब जोर से तारीफ करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि जिस खुदा पर हम विश्वास करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो हमें बचा कर रखता है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी डिलीवरी के समय, बोलो क्या है, कुछ पीसेस अंदर रह गए, जैसे ऑयल फट गई ना, तो पूरी तरह से उस समय क्या नहीं हुआ, और वही पीसेस बढ़कर 16 ml 25 का हो गया, और दूसरा 10 ml का वो 14 का, 10 का जो 10 ml है वो 14 हो गया। बोलो क्या है, क्योंकि इनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। बोलो ब्लीडिंग बीच में सांस करते थे रुक भी जाती थी पर फिर शुरू हो जाती थी, पर करते करते कितना टाइम गुजर गया, तीन महीने निकल गए। बोलो क्या है, जब इन्होंने प्राइवेट कहीं हॉस्पिटल में दिखाया ना जी। तो जब उन्होंने देखा तो ऐसा क्यों हो रहा है हा? तो दोबारा से माइक देना रिपोर्ट, फिर दोबारा हुई जब आप उनसे गई जयमा से गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट की जो रिपोर्ट आपके पास थी वो भी देखी थी उन्होंने, हां वो भी चेक की थी उन्होंने, उसमें क्या था, ओदे विच 16 ml दा ही ते 10 ml दा है, उस रिपोर्ट में 16 ml और 10 ml का, जब उन्होंने रिपोर्ट की तो उसमें और बड़े हो गए वो दोनों पीस, एक 25 दा ते एक 14 दा, फिर डॉक्टरों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मतलब तेनू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जहर भी फैल सकती है, तो तू किदा तुरी फिरंदी 3 महीने तो, 3 महीने कैसे आपने निकाले ना, हां जी, तो उन्होंने कहा बच्चे दा नहीं कढ़नी पैनी है, अच्छा हां जी 15,000 रुपया मंगया ही उन्होंने, मतलब कहते कि यूट्रस मतलब बच्चेदानी को निकालना पड़ेगा, इसका कोई और हल नहीं है, हां जी, फिर आपने क्या किया, फिर उन्होंने यही कहा कि जिथों तुहाडी डिलीवरी हुई तुसीं उत्थे जाके चेक करवा सकदे जो आपां तुहानूं कोई जबरदस्ती नहीं कहिंदे वी, आप वहीं पे जा सकते हैं, हां जी, फिर आपां शुक्रवार को शाम नूं उत्थे गए, उन्होंने एडमिट कर लिया, वो कहिंदे कोई नहीं आपां अबॉर्शन भी नहीं करना, ऑपरेट भी नहीं करना, DNC करना बेहोशी दे विच, ओके, उन्होंने DNC दे नाल मतलब सारी बच्चेदानी दी पहला मैं कीती सफाई कीती, ते फिर उन्होंने पीस कट ते पाइप दे नाल कल हुआ, हां जी कल हुआ DLC, हां जी, और ये कल हुआ, और खुदा ने एक ही दिन में आपको बिल्कुल भला अच्छा भी कर दिया। पापा जी छुट्टी नहीं मिली आज, उन्होंने 2 बजे छुट्टी देनी ही, आपा मतलब चर्च जाना ही, आपा बिना दसे आ गए उन्होंने, खुशी से आ गए, क्या आ गए बोलो, खुशी से आ गए ना, खुशी से, कितने मेरी बात समझ रहे हैं, खुशी से आ गए क्योंकि परमेश्वर ने फ्री कर दिया। प्रॉब्लम तो बड़ी थी
देखो उन्होंने कहा आपने तीन महीने कैसे निकाले, आपको तो यहर बाद हो सकता क्योंकि ये बच्चा छोटा है अभी, ये दूध पी रहा है। बोलो क्या हो रहा है? तो वो डॉक्टर हैरान थे कि तीन महीने कैसे निकल गए, इतने बड़े बड़े पीसेस अंदर हैं यूट्रस में, तो कैसे ये बच्चा भी दूध पी रहा और ये भी ऐसे है। ब्लीडिंग तो हो रही थी पर परमेश्वर ने संभाल कर रखा, कुछ भी हो सकता था, बच्चे को भी हो सकता और इसको भी हो सकता था, पर जिस खुदा पर हम विश्वास करते हैं बोलो क्या करते हैं, उसका अनुग्रह हम पर बना रहता है। बोलो क्या रहता है? उसका अनुग्रह हम पर बना रहता है। ये बिल्कुल भले अच्छे हैं और खुदा ने संभाल कर रखा है और फ्री कर दिया है। तारीफ करो जोर से, जो हो ना सके उसे करना, कोई कर ना सके जो उसे करना, जो हो ना सके उसे करना, कोई कर ना सके जो उसे करना, जो चल में है मसीहा के, जो चल में है मसीहा, हृदयों में सांस भरना, ये जल में है मसीहा के, हृदयों में सांस भरना, परमेश्वर तुम्हें और भी बढ़ाए। नहीं तो सुनो है ना, मतलब अगर इसकी यूट्रस निकल जाती, अभी तो इसका पहला ही बच्चा है ना, बोलो क्या है? समझ आ रही है? तो पर परमेश्वर अपने चुनियों को क्या नहीं होने देता ना, इसलिए उससे बने रहो, जुड़े रहो, धन्यवाद देते रहो और उसकी बातों का विश्वास करते रहो, क्योंकि गवाही एक जीवित वचन है। बोलो क्या है? गवाही एक जीवित वचन है जो आप सामने सामने देखते हो कि परमेश्वर कैसे काम करता है। अगर इसके जीवन में औरों के कर रहा तो हमारे भी करेगा, क्या करेगा? और सबके जीवन में करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? पर जितने लोग उसकी बातों का भरोसा रखते और धन्यवाद देते रहते हैं, ओके, तो तारीफ कर दो इन सब गवाहियों के लिए।